पालक पनीर बनाने के लिए मैं यहाँ पे पालक आधा किलो ली हूँ, धुल के अच्छे से मैं एक प्लेट में रख ली हूँ। और ये धनिया है। पालक को उबालने के लिए मैं यहाँ पे गर्म पानी कर रही हूँ ताकि अच्छे से उबल जाए। तो जितना हो सके गर्म पानी में ही आप लोग पालक को उबालें, गर्म पानी हो जाए तो अच्छे से उबल जाता है। एक बड़ा प्याज बारीक काट ली हूँ और यहाँ पे दो बड़ा टमाटर काटी हूँ और यहाँ पे लहसुन अदरक हरी मिर्च को मैं कूट ली। हो गया, इसमें डाल दूँगी पालक, डाल दूँगी थोड़ा सा धनिया, धनिया इसमें डाल के उबाल लूँगी। आप लोग चाहे तो पालक को छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक कटी हुई आप लोग काट सकते हैं पालक को। तो धनिया डाल दी, स्वाद बढ़ जाता है पालक के साथ। 5 मिनट पका लूँगी। पालक पक गया है, मैं गैस को बंद कर दूँगी। पानी ली हूँ ठंडा, अब इसी में पालक को डाल दूँगी, ठंडा हो जाएगा। मिक्सी जार में डाल के मैं पीस लूँगी, ठंडा हो गया है। पालक को पीस ली, पालक में पानी बिल्कुल नहीं डाली थी पीसते वक्त, ये तो और गीला हो जाएगा, इसमें खुद ही रहता है पानी। तो फिर से मैं वही कढ़ाई ले ली, इसमें ऑयल डाल दी, गर्म हो जाएगा तो तड़का में जाएगा साबुत जीरा, साबुत लाल मिर्च, ज़्यादा इसमें मसाला नहीं पड़ेगा, कोई सा मसाला नहीं। और ये झटपट से बन जाने वाला पालक पनीर, तो कोई टाइम नहीं लगेगा और बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं, कोई परेशानी भी नहीं, आराम से बन जाएगा पालक पनीर। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार इस तरह से, और खाने में भी टेस्टी, होटल से भी अच्छा, होटल जैसा। डाल दी जीरा, लाल मिर्च खड़ा, इसमें डाल दी बारीक कटी हुई प्याज। तो इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी प्याज को। अगर आप लोग खड़ा साबुत मिर्चा नहीं डालना सक डालेंगे तो आप लोग पीसा वाला थोड़ा सा डाल सकते हैं अगर तीखा पसंद है तो। गोल्डन ब्राउन हो गया, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी प्याज को नहीं लाल करना है। अब इसमें अपना जो कूटा हुआ है अदरक लहसुन हरी मिर्च को डाल देंगे। अब इसको मैं भून लूँगी। मैं 1 मिनट 1.5 मिनट भून ली थी अदरक लहसुन को, अब इसमें डाल दूँगी टमाटर। डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कलर की कश्मीरी लाल मिर्च और 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, जिसको मैं अच्छे से चला के ढक दूंगी ताकि टमाटर जो है ना अच्छे से पक जाए, गल जाए। ये धीमे आंच पे मैं ढक के पका लेती हूँ। 1 मिनट हो गया, आप लोग देख सकते हैं तेल छोड़ दिया है मसालों से, अच्छे से भुना लिया टमाटर मसाला दोनों साथ में। अब बारी आती है इसमें पालक डालने का। तो पालक तो पहले से ही पका हुआ है तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है पालक को। मैं डाल दी, अगर पालक छिट्टा दे रहा है तो गैस को धीमे कर दीजिए या ढक के पका सकते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया है। थोड़ी सी मैं डाल दी हूँ गरम मसाला, मैं 1 से 2 मिनट इसको पका लेती हूँ पालक को ढक के ताकि अच्छे से और पक जाएगा मसालों के साथ। 1/2 किलो पनीर ली हूँ।
पालक भी अच्छे से भुना गया, आप लोग देख सकते हैं तेल छोड़ दिया है पालक में से। मैं आधा एक कप पानी डाल दी हूँ पनीर डाल के पकाने के लिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं डाली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। डाल दी अपना पनीर, अब चला के मैं इसको ढक के पका लूँगी। पालक पनीर पक गया है, आप चाहे तो चीज़ डाल दीजिए या बटर, तो मेरे पास नहीं है तो थोड़ा सा घी डाल दीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो गैस को बंद कर देंगे क्योंकि जब ठंडा होता है तो पालक पनीर जो है सूखने लगता है। गैस को बंद कर दी क्योंकि ठंडा होगा तो गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे मेरा पालक पनीर रेडी है और पालक पनीर के साथ गरम गरम पूड़ी और आप लोग चाहे पराठा रोटी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, टेस्ट वही आएगा पालक पनीर का।